मध्य प्रदेश में बाघों का गढ़ कहे जाने वाले बांधवगढ़ नेशनल पार्क में एक हजारों साल पुराना प्राचीन किला है। ऐसा कहा जाता है बांधवगढ़ किले का निर्माण भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण के लिए करवाया था। मध्य प्रदेश में मौजूद 488 वर्ग किमी में फैले बांधवगढ़ नेशनल पार्क न सिर्फ बाघों के गढ़ के लिए विख्यात है बल्कि इसका ताल्लुक भारत के प्राचीन इतिहास और सनातन धर्म से भी है। बांधवगढ़ में एक रहस्यमयी प्राचीन किला है और उस किले के परिसर में भगवान विष्णु की अद्भुत प्रतिमा है जो हजारों साल पुरानी है। ऐसा कहा जाता है कि जब सनातनियों के आराध्य भगवान श्री राम लंका से विजय होकर वापस अपने राज्य आए थे तब उन्होंने बांधवगढ़ में अपने भाई लक्ष्मण के लिए एक विशाल किले का निर्माण कराया था। इतिहास के पन्नों में इस किले के निर्माण का जिक्र मिलता है, वहीं सनातनी धर्म ग्रंथों में भी बांधवगढ़ किले का उल्लेख है। यह किला और यहाँ विश्राम मुद्रा में मौजूद भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा जितनी पुरानी है उतनी ही रहस्यमयी है। बांधवगढ़ किले को लेकर कई किंवदंतियां भी प्रचलित हैं और इस किले से जुड़ी कई कहानियां हैं। बांधवगढ़ किले का मध्य प्रदेश के जिले और विंध्य राज्य की राजधानी रहे रीवा जिले से गहरा नाता है। इस किले का इतिहास रीवा राजघराने से जुड़ा है। बांधवगढ़ किले का निर्माण महाराजा व्याघ्रदेव ने कराया था। महाराजा व्याघ्रदेव ने सन 1234 में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में बघेल वंश की स्थापना की थी। उन्होंने अपने साम्राज्य की शुरुआत एक किले से की थी जो पहले महोबा के चंदेल साम्राज्य से ताल्लुक रखता था। महाराजा व्याघ्रदेव ने कालिंजर और मंडीहा के साथ घोरा साम्राज्य से जंग करके उनका साम्राज्य अपने कब्जे में ले लिया था। बाद में उन्होंने घोरा को अपनी राजधानी बना ली थी जिसे घोरा खास और गहोरपति के रूप में दो भागों में विभाजित कर दिया था। महाराजा व्याघ्रदेव की मृत्यु सन 1245 में हुई थी लेकिन बांधवगढ़ के किले का जिक्र महाराजा व्याघ्रदेव के जन्म लेने से पहले भी होता रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण के लिए कराया था। महाराजा व्याघ्रदेव द्वारा इस किले की नींव रखी थी यह कहना सही नहीं होगा क्योंकि बांधवगढ़ किले का उल्लेख नारद पंच और शिव पुराण में मिलता है जो हजारों साल पहले लिखे गए थे। बांधवगढ़ किले में कितने राजवंशों ने राज किया? बांधवगढ़ किले में तीसरी शताब्दी के बाद माघा राजवंश, फिर वकाटका, उसके बाद पांचवीं शताब्दी से लेकर सेंगर और दसवीं शताब्दी से कलचुरी वंश ने राज किया था। इसके बाद बघेल वंश के महाराजा ने रीवा को अपनी राजधानी बनाई थी और 1635 में किला को छोड़ दिया था। बांधवगढ़ किले तक जाना अपने आप में बड़ी चुनौती है क्योंकि यहां जाने का रास्ता जंगली है जहां बाघ अपना डेरा जमाए रहते हैं। इस किले में एक विशाल सुरंग है जो सीधा रीवा में मौजूद रीवा फोर्ट में निकलती है। ऐसा कहा जाता है कि रीवा के अखीरी राज्य करने वाले राजा महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव और उनके पिता गुलाब सिंह जूदेव इस सुरंग का इस्तेमाल युद्ध की गुप्त रणनीति बनाने के लिए करते थे। यह एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचने का खुफिया रास्ता था। बांधवगढ़ किले परिसर में मौजूद हजारों साल पुरानी क्षीर सागर में विराजी भगवान विष्णु की विश्राम करती हुई प्रतिमा है। ऐसा कहा जाता है कि यह प्रतिमा 2000 साल पुरानी है लेकिन यह उससे भी ज्यादा प्राचीन हो सकती है क्योंकि भारत और सनातन धर्म का वजूद तब है जब बाकी दुनिया के लोग बर्बर हुआ करते थे। तब यहां विकसित मानवों की कई सभ्यताएं थीं। इसीलिए इन प्राचीन धरोहरों के प्रारंभिक अस्तित्व के बारे में कोई नहीं जानता। यहां भगवान विष्णु के सभी दशावतार की प्रतिमाएं भी हैं जिन्हें किला में देखा जा सकता है। विश्राम मुद्रा में मौजूद भगवान की प्रतिमा के बगल में विशाल शिवलिंग भी स्थापित है। बांधवगढ़ में भगवान विष्णु की प्रतिमा का रहस्य, बांधवगढ़ के जंगलों के बीच मौजूद किले में स्थापित इतिहास से भी प्राचीन भगवान विष्णु की प्रतिमा जितनी पुरानी है उतनी ही रहस्यमयी भी है। 12 मीटर लंबी भगवान की प्रतिमा को एक पत्थर तराश के बनाया गया था। प्रतिमा का सिर पूर्व की तरफ और भगवान के चरण पश्चिम की ओर है जहां चरण गंगा नदी भगवान के चरणों को पाने पवित्र जल से होकर गुजरती है। चरण गंगा नदी को बांधवगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर बांधवगढ़ किला है और थी विष्णु भगवान की प्राचीन प्रतिमा है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में पड़ता है जो एमपी की राजधानी भोपाल से 502 किलोमीटर है और रीवा जिले से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है।
आप बांधवगढ़ को बेस्ट टूरिस्ट प्लेस इन मध्य प्रदेश कह सकते हैं, मतलब मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा पर्यटन स्थल है, जहां आपको विभिन्न प्रकार के जंगली प्राणियों को देखने का आनंद मिला है।